अगर आप बॉलीवुड को बायकॉट करोगे, मैं आपको बता रहा हूँ, इंडिया का ग्लोबल एरिना में नाम कम होगा। और आप आमिर खान को बोल रहे हैं कि वो एंटी नेशनल है, आमिर खान को बोल रहे हैं वो ये है, लेट्स नॉट फॉरगेट अन्ना मूवमेंट में ही वॉज द बिगेस्ट नेम जो सबसे पहले अन्ना हजारे के साथ जाके खड़ा हुआ था करप्शन के अगेंस्ट। लेट्स नॉट फॉरगेट कि वो बंदा 2000 में जब लगान ऑस्कर्स के लिए गई थी, आखिरी फिल्म है इंडिया की जो ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुई है, और कितना ज़्यादा पेट्रियाटिक फर्वर बढ़ा था इंडिया का, कितना नाम बढ़ना था जब लगान ऑस्कर्स के लिए गई है। मैं मानता हूँ आशुतोष ग्वारिकर ने डायरेक्ट करी है, पर आमिर खान की बैकिंग नहीं होती तो आशुतोष वो फिल्म बना नहीं पाते। ही इज़ द पर्सन जिसने राकेश ओम प्रकाश मेरा को हिम्मत दी कि वो कंप्लीट कर पाए रंग दे बसंती। मैंने राकेश ओम प्रकाश मेरा का इंटरव्यू किया है गोवा में 2018 में, उन्होंने बताया है कि अगर आमिर खान की सपोर्ट नहीं होती मैं रंग दे बसंती बना नहीं सकता था। क्योंकि आप देखिए इस तरह की फिल्मों को बैक नहीं करता कोई भी। आमिर खान थ्री इडियट्स के साथ भी जुड़े हुए थे, थ्री इडियट्स अगर नहीं आती तो शायद मेरे जैसे लोग आज भी हिम्मत नहीं कर पाते कॉर्पोरेट सेक्टर छोड़ के अपना पैशन फॉलो करने के लिए। आज जितने भी लोग इंडिया में पैशन फॉलो कर रहे हैं दे ओ इट टू थ्री इडियट्स। पीके की मैं बात करता हूँ, ठीक है, रिलीजन को लेकर बहुत सारे लोग हर्ट हुए हैं, मैं भी सपोर्ट नहीं करता ऐसी किसी भी फिल्म को जो रिलीजन को रिडिक्यूल करती है, रिलीजन का मजाक उड़ाती है। लेकिन उसके लिए आप आमिर खान को ब्लेम करें, यार आमिर खान डिड इट। अरे राजकुमार हिरानी की फिल्म थी ना, आमिर खान वॉज जस्ट एन एक्टर इन दैट। और आमिर खान अगर उसमें कोई डायलॉग बोल रहा है या कुछ एक्शन कर रहा है तो आप उसको पर्सनली लाइफ में आमिर खान से एट्रीब्यूट कर देते हैं कि इसने शिवलिंग का अनादर किया। मैं कह रहा हूं जिसने भी शिवलिंग का अनादर किया उसको दंड दीजिए। लेकिन अगर फिल्म का सीन है और सेंसर बोर्ड ने उस फिल्म को पास कर दिया तो जो सेंसर बोर्ड का उस वक्त हेड था उसको पनिश करो आप। अब आमिर खान को क्यों बोल रहे हो कि उसने जाके शिवलिंग को अनादर किया, और किया तो गलत है, बिल्कुल गलत है, मैं उसको बिल्कुल भी एंडोर्स नहीं करता। लेकिन आप प्रूव कीजिए ना कि आमिर खान ने पर्सनल लाइफ में कुछ ऐसा किया है। और आप बार बार बॉयकॉट आमिर खान, वो आमिर खान जो सत्यमेव जयते लेके आया था, मुझे याद है हम लोग उन दिनों में बहुत ज़्यादा एक एक्टिविस्ट हमारे अंदर जाग गया था और हमारे अंदर एक पेट्रियाटिज्म की फीलिंग आई थी। तो आमिर खान का तो सिनेमा इज़ ऑल अबाउट पेट्रियाटिक फीलिंग फॉर इंडिया, और इंडिया को लेके तो हमेशा एक इंटरनेशनल मार्केट्स में जितनी भी इज्जत बढ़ी है लगान जैसी फिल्मों से बढ़ी है। मैं जब भी मिलता हूँ बॉस्निया के लोगों के साथ तो बहुत तारीफ़ करते हैं लगान की, क्योंकि आपको याद होगा नो मैंस लैंड ने एक्चुअली में एंड में लगान को हरा दिया था जो बॉस्नियन फिल्म थी। तो ये मुझे लगा था कि मुझे क्लियर करना चाहिए। मैं बहुत सारे शोज़ में जाता रहता हूँ, मैं कभी भी एंडोर्स नहीं करूँगा अगर कोई भी सेलिब्रिटी किसी का धर्म का मजाक उड़ाता है, किसी कम्युनिटी का मजाक उड़ाता है, वो कंडेमनेबल है। लेकिन साथ ही साथ फेक न्यूज़ फैलाना और किसी फिल्म के किसी सीन को रिलेट करके बोलना कि रियल लाइफ में आमिर खान ने डिसरिस्पेक्ट किया है हिंदुइज़म को या किसी हिंदू गॉड को बिना प्रूफ के, आई थिंक दैट इज़ ऑल्सो इक्वली रॉन्ग, बिल्कुल गलत है। अगर प्रूफ नहीं है तो प्लीज़ ये सब मत कीजिए और सिनेमा को सेलिब्रेट कीजिए। क्योंकि आपको देखना पड़ेगा कि लाल सिंह चड्ढा इज अ फिल्म मेड बाय हंड्रेड्स ऑफ पीपल, यहाँ पे सिर्फ आमिर खान नहीं है, जस्ट वन ऑफ द मेनी पीपल इन्वॉल्व। अद्वैत चंदन की मेहनत है जिन्होंने सीक्रेट सुपरस्टार डायरेक्ट करी थी, अतुल कुलकर्णी का कमाल का स्क्रीन प्ले है, प्रीतम का कमाल का म्यूजिक है, अमिताभ भट्टाचार्य के गाने हैं, अरिजीत सिंह की आवाज़ है, बहुत कमाल कमाल, नागा चैतन्य है इसमें, मानव विज है, बहुत बड़ी कास्ट है। और आप अगर बोलते हैं कि मैं आमिर खान को बायकॉट कर रहा हूँ, इस फिल्म को नहीं देखूंगा, दिस इज़ नॉट फेयर। मतलब बी रीजनेबल, ठीक है, आपको आमिर खान से कुछ इश्यूज हैं, आप फोरम पे आइए उसको डिस्कस कीजिए, आई विल बी द फर्स्ट वन टू सपोर्ट यू। लेकिन ब्लैंकेट बॉलीवुड बैन इज़ नॉट राइट। बॉलीवुड हिंदुस्तान की शान है, बॉलीवुड मेक इन इंडिया का प्रॉब्ली वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल है, आत्मनिर्भरता का बेस्ट एग्जाम्पल है। अगर आज बॉलीवुड फ्लॉप हो गया और बॉलीवुड अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो पाया, आपको क्या लगता है कि सिर्फ साउथ इंडियन इंडस्ट्री कम्पीट कर लेगी हॉलीवुड से? हॉलीवुड आ जाएगा, खा जाएगा, हमने पास्ट में भी देखा है।